Hello students, we are discussing class 4 EVS chapter number 16, that is a busy month. हिंदी में जो चू चू करती आई चिड़िया था वो डिस्कस कर रहे थे हम. आज वहीं से फिर आगे बढ़ेंगे. देखिए हम इसी पेज में थे. राइट, ये लेटर हम कंप्लीट कर दिया था. आज इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है. हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गुजू भाई राइट दिस लेटर. गिजू भाई बधे का ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था. तो ये जानने के लिए हम डेट को जाना पड़ेगा. ये लेटर का जो डेट देखो, डेट है 1936 है ना. देखो भावनगर, भावनगर नेम ऑफ प्लेस, फिर 13 तारीख है अप्रैल महीना का, 1936 में लिखा था. तो 1936 से आज तक कितने साल हो गया है. लगभग 71 साल हो गया, ठीक है ना. 71 ईयर्स. यू विल राइट द आंसर 71 ईयर्स. नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेयर एट दैट टाइम. उसी समय तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा, दादाजी और नाना जी, उस समय नानी जी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमा उस समय कितने उम्र की थे. आप ये अपने अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को पूछ के लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट वर्ड्स. हाउ मैनी ऑफ दिस वर्ड्स हैव यू सीन. जो इसी पत्र में बहुत सारे पक्षियों के बारे में बताया गया है. हाउ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन मीन्स उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं, उनमें से कौन कौन सा पक्षी देखे हैं. देखो ये आंसर शीट भी मैं तैयार करके रखा हूँ. आंसर में आप लिख सकते हैं हाउ मैनी बर्ड्स अदर्स यू हैव सीन. यस, दिस लेटर, दिस वन क्वेश्चन नंबर टू में है. दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स. हाउ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन. यू लाइट आई हैव सीन डोव, इंडियन रॉबिन, फिर क्रो भी दिखे हैं, कोयल, बर्बेट, सनबर्ड एट्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन. तुमने और कितने पक्षियाँ दिखे हैं. यू लाइट मैनी. आंसर लिखोगे मैनी, बहुत दिखे हैं. व्हिच वंस, कौन कौन सा. आप स्पारो लिख सकते हैं, स्पारो भी हम दिखा है. नेक्स्ट, हैव यू सीन ए बर्ड्स नेस्ट. वेयर डिड यू सी इट. क्या आपने एक बर्ड का नेस्ट दिखा है और कहाँ दिखा था. आप आंसर में लिख सकते हैं यस, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री. हाँ, एक ट्री का ब्रांच में हमने दिखा था. राइट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड. आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है. कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज. क्या आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं क्लास में फ्रेंड्स को ये कैसे उड़ता है. एंड व्हाट साउंड इट मेक्स. और ये कौन सा साउंड, कौन साउंड कैसा करता है. तो आप लिख सकते हैं माई फेवरेट बर्ड इज क्वेल. और कैसा साउंड निकालता है वो आपको पता है, कू कू आवाज़ निकालता है. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस व्हाट दिस बर्ड इज. अनुमान कीजिए कि ये पक्षी कौन सा है. देखो कुछ लिखा है नीचे बॉक्स में, ए क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइंस ऑन द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल. इट इज आवर नेशनल बर्ड. क्लू भी दे दिया है, नेशनल बर्ड है. आंसर होगा पीकॉक. देखो ये होगा पीकॉक, इसी का हिंदी अनुवाद भी दिख लेते हैं. एक पक्षी ऐसा जिसकी दूर पर पैसा, सॉरी दुम पर पैसा, अच्छा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला. देखो एक क्राउन ऑन द हेड कि उनका जो हेड के ऊपर एक क्राउन है, मुकुट है. फिर कॉइन्स ऑन द टेल, टेल में क्या है, कॉइन्स हैं, पैसा जैसा. आपने भी दिखा होगा पिकक का टेल में, जो पक्षियों में जो पैसा कैन कैन जैसा है. सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल. तो टॉप टू टेल तक मीन्स पूरा हेड से लेकर टेल, टेल तक क्या कैसा कलर है ना, ब्लू, ब्लू कलर है. क्लू में दिया है
हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ये पिकॉक होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज? क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? आप आंसर क्या लिखोगे? आंसर में लिखोगे वुडपेकर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसे है ना, इसी का आंसर होगा वुडपेकर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली एट इट। देखो, हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। अगर किसी पक्षी का घोंसला है घर के आसपास तो देखिए। रिमेंबर, याद रखें, याद ध्यान रहे, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट, जो घोंसले के बहुत नज़दीक बहुत पास नहीं जाना है, एंड डू नॉट टच इट, और उसी को छूना भी नहीं है। इफ़ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन, अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो फिर वो पक्षी घोंसला में दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। यस, ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स, कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखिए और इन बातों को पता करके लिखो। वेयर इज द नेस्ट मेड, घोंसला कहाँ पर बना है, कहाँ पर बना है वो भी लिखना है। आप लिख सकते हैं ऑन ए ब्रांच, वेयर इज द नेस्ट मेड ऑन ए ब्रांच आप लिखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर आई का आंसर है ऑन ए ब्रांच। फिर व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, वो जो नेस्ट है किस चीज़ में बना है? वो तो बनाते हैं स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स, है ना, सूखी पत्ते स्ट्रॉ में बनाते हैं। फिर इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, तो अब तक आप जब दिखे हैं जो नेस्ट दिखा है, अब तक घोंसला रेडी हो गया है या फिर अभी भी मेकिंग में है, अभी भी बना रहे हैं? आप लिखेंगे इट इज़ कम्प्लीट और इट इज़ कम्प्लीटेड, ये कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉग्नाइज व्हिच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट, क्या आप उसे पता लगा सकते हैं या कि वो जो पक्षी का नाम क्या है, कौन सा पक्षी बना रहा है? आप लिखोगे इट इज़ स्पैरो, आप लिख सकते हैं ये एक स्पैरो है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, ये कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड्स ब्रिंग टू द नेस्ट, वो जो बर्ड्स क्या चीज नेस्ट को ला रहे हैं, क्या क्या, आप लिख सकते हैं स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ ला रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉ में घोंसला बनाने के लिए स्ट्रॉ ला रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट, क्या नेस्ट में कोई पक्षी बैठा है? यस, हाँ बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट, क्या आपको लगता है नेस्ट में कुछ अंडे हैं? आप लिखेंगे यस, हाँ अंडे हैं। कैन यू हीयर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट, क्या वो नेट से, वो घोंसला से कुछ ची ची करके आवाज़ आ रहा है, आप सुन पा रहे हैं? आप लिखोगे यस, अगर बच्चा है तो होगा ची ची आवाज़, वो बच्चे करते हैं, बेबी बर्ड्स करते हैं, तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, अगर वो नेस्ट में कुछ चिक्स हैं, छोटा पक्षी हैं, व्हाट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू इट, तो वो जो पेरेंट्स बर्ड हैं, उनका जो माँ बाप हैं, जो पिता माता हैं, जो पक्षी, वो क्या खाने के लिए ला रहे हैं चिक्स के लिए? आप लिखोगे इंसेक्ट्स, ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन वन आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट, एक घंटा में कितने बार वो जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं वो कितने बार आ रहे हैं? आप लिखेंगे टू टू थ्री टाइम्स, दो से तीन बार तो आते हैं बच्चे को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, कितने हाउ मेनी डेज, कितने दिन के बाद
डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, वो जो चिक्स छोटा पक्षी है वो उड़कर चले जाते हैं घोंसला छोड़कर। आप लिखोगे वन एंड हाफ मंथ, एक और आधा मंथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक, तो आप एक नेस्ट का चित्र बनाएंगे। इसमें आंसर शीट में जैसा है ये वाला आप चित्र बनाएंगे। ओके, यहीं से फिर एक दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ये सब क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखोगे।